खाने के दोनों। और यार बाबू मत करो, पागल हो क्या? देखो 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 नवरतन जी, मतलब आपके ज्यादा हो रहे हैं, 1000-2000 है ना। ओए तू क्यों खुश हो रहा है पापा की गलती पे? भाई पापा को कुछ नहीं बोल रहे। इसको पता है नाटक कर रहे हैं। ये भी ना। हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज तो गर्मी बहुत है और बारिश का भी मौसम हो रखा, वैसे आई भी थी थोड़ी। अभी आप पूछोगे बाबू कहाँ है, आज बाबू के चाचा आए हुए हैं, जो बाबू को तो हमने चाचा को दे दिया, उनके वो छत पे हैं। क्योंकि अगर अगर बाबू अगर हमें बाहर जाते हुए देख ले तो फिर हम जा ही नहीं सकते। तो कैसे जाएंगे, जाने देगा तो जाएंगे ना। अब क्या कर रहे हो, जल्दी से कंप्यूटर बंद कर दो, अभी वो थोड़ी देर ही रहेगा उनके पास। गाइज हमेशा हम लोग क्या करते थे, जब भी बाहर जाते हैं पीसी हम खुला करके छोड़ देते थे, पीछे से चलता रहता था। आज आ गया है बिल, और बिल आया है मुझको डांट लगा रहे कि एक महीने का बिल आया है 2714 रुपए का। मुझे बोल रहे हैं मैं तो क्या चलाती हूँ, ओनली मोबाइल चार्ज करती हूँ। तो अब ना अब ये बंद करके चलना पड़ेगा। सो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं गाड़ी के लिए पूछने के लिए, क्योंकि हम लोग फोन कर रहे हैं तो हमेशा गोलियां दे रहे हैं कि सितंबर लास्ट में आ जाएगी, सितंबर के लिए। अभी पहले कहा 27 सितंबर को, फिर कहा 30 सितंबर को। तो मैं जाके पूछ के आते हैं, हम पूरी कंफर्मेशन लेकर आ रहे हैं कि भाई ये सीन क्या चल रहा है। तो कभी बोल रहे हैं कि अक्टूबर स्टार्टिंग में देंगे, तो आज कंफर्म करके आएंगे कि गाड़ी दे दो भाई, पैसे दे रहे हैं। कितना वेट करेंगे, हमें जाना जल्दी से जल्दी घूमने के लिए, आप लोगों से मिलने के लिए, और हम बाबू को भी साथ ले जाते, बट बाहर बारिश का मौसम हो रखा है और हमें 2-3 जगह जाना है, क्योंकि हमारे बाहर थोड़े काम है तो हमें वो काम करके आने, इसलिए बाबू परेशान हो जाएगा। वो बाइक पे बैठता नहीं है, अपने पापा को पीछे से पकड़ के खड़ा हो जाता और फिर ऐसे देखता है, बाप रे मुझे तो डर लगता है उसको लेके। मास्क मैंने मेरा ले लिया, आप अपना ढूंढो। मैं दुनिया का पहला इंसान हूँ बीवी से सुन भी रहा है और हंस भी रहा है। हालांकि तो गलती है यार आपकी, आप कितनी सारी गलतियां करते रहते हो। मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैंने तेरे से शादी करी। वो तो आपकी मजबूरी थी, आपकी गलती कहाँ से हो गई। नवरतन जी वह मायला गेट के चाबी कौन लागे, तो भी कतालो दे दियो, चाबी थे ले लीजिए है ना। मैं जा रहा हूँ अभी बाहर, अपने चाचा के साथ खेल रहा था ना, उतना ध्यान नहीं दिया, आने के लिए तो किया था उसने पर मैं जल्दी से भाग के आ गई। तो गाइस हमें टाटा मोटर्स पे, और यहाँ पर हमने बात कर ली है गाड़ी के बारे में, तो इन्होंने कहा है कि आपके पास गाड़ी जो है वो अक्टूबर के स्टार्टिंग में या फिर अक्टूबर के सेकंड वीक में आ जाएगी, क्योंकि हमने जो वेरिएंट बुक करवाया एक्स ई, अभी सितंबर अक्टूबर हाँ, तो वो एक्स ई वेरिएंट इनके पास अभी आ नहीं रहा है, और इन्होंने कहा है कि अगर पहले आए तो हम लोग पहले दे देंगे आपको। देखो यार बाबू ये जयपुर है बट इनकी सड़कें तो देखो यहाँ पे, वो लोग कितने परेशान होते होंगे ना। ये देखो जरा सी बारिश आई है, आज कुछ ज्यादा नहीं आई है। पता है इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि जितने भी गड्ढे हैं ना सबके अंदर एक एक पेड़ लगा दो, सुबह आके सरकार संभाल ले। यार ये सही है, आओ और यहाँ पे पेड़ लगा के चले जाओ। सो अभी कौन पायल करेगा देखते हैं। हम लोग इतनी बार हाइपर सिटी आ चुके हैं कि वो अंकल जी कहते हैं ये गाड़ी तो बहुत बार आ चुकी है हमारे यहाँ। नहीं ये गाड़ी तो आती रहती है। हाँ। वो हमारी गाड़ी को जानते हैं, हमें नहीं जानते हैं। मास्क लगा के हेलमेट लगा के आओगे तो बताओ। आज मैं आपके साथ में एक बहुत मस्त वाले ट्रिक शेयर करूंगा वापस आते टाइम। क्या ऐसी लड़कियां जो कि बड़ी मुश्किल से 11-12-13 साल की हैं, छोटी बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां, अगर उनका मुंह धुलाओ ना तो इतना चूना निकलेगा जिससे आप दीवार की अच्छे से पुताई कर सकते हो। वो चूना नहीं, इतना पाउडर वगैरह होते हैं। सुनो बाबू मुझे भी मोमोज खाने हैं। अगर तुम्हें मोमोज देखना है तो इसकी शक्ल देख लो। मोमोज मेरे जैसा होता है क्या? सेम बाबू। अगर आपको मोमोज देखना है तो इसको देख लो। आराम से चलना है ना, गिर मत जाना है, वो सीढ़ियां नहीं है। आराम से भाई साहब इसने पहली बार ये जब इस पे चढ़ी थी ना तो अपने गांव जाकर बोल रही है भाभी वहां पे अपने आप चलने वाली सीढ़ियां है। और अब आपको मिलाते हैं हम गरीबों के जारा से, और जो ताऊ जी बोल रहे थे ना कि वो जूते 1500 के डीमार्ट में आते भाई साहब 99 रुपए मिल जाती, बहुत मस्त वाली। आपके बार आएंगे ना तो
हम उन भाभी जी के साथ में यहाँ पे आएंगे शॉपिंग करवाए, वो भी कर लेंगे, हम भी करके जाएंगे ना। ठीक है बाबू के लिए बोल तो है यार, क्या कर रही हो? आज वो खिलौने देखते हैं बाबू के लिए, आओ ना। मैंने इसको उल्टा करके रखा था, ले लूं बट वो खेलेगा नहीं इससे, पता आपको वो क्या करेगा, वो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, मतलब बेटा तेरा है ना, बेटा तेरा है। ये खिलौना है ना, उसको पता है इसमें सबसे ज्यादा पसंद क्या आएगा, इसको फाड़ना है, खाना है। सो गाइस फाइनली हम अंदर गए थे कुछ, और हम लेकर आए हैं ये एक पायजामा और साथ में एक टी शर्ट जो कि है 1200 रुपए का दोनों मिलाकर। लेकिन देखो महान आदमी, देखो एक राजस्थानी मारवाड़ी जो ठेठ मारवाड़ी आदमी वो क्या करता है, 1200 रुपए का सामान लिया बट 25 रुपए का कैरी बैग, बट हम 25 रुपए का कैरी बैग नहीं लेंगे। बोला कि भैया कैरी बैग दे दो, तो ये कैरी नहीं नहीं तो सामान का है हाथ में ले लेंगे। जब भी आप ट्राइटन मॉल में आओ तो यहाँ पर आपको एक पार्किंग स्लिप मिलती है जिसके 15 रुपए लगते हैं बाइक के और 30 रुपए लगते हैं कार के, तो वो वापस रिफंड लेने के लिए बेस्ट तरीका है कि आप डीमार्ट में घुसो नीचे, डीमार्ट में घुसने के बाद जब वापस आओ और आपने अगर कुछ सामान नहीं लिया हो तो कुछ किसी ऐसे बंदे को देखो जिसके पास सामान हो 500 रुपए से ज्यादा। इन्होंने ये ट्रिक दो बार आजमा ली और ये सफल भी हुई उसमें, तो उसकी पर्ची मांगो कि भैया एक बार मुझे आपका बिल दे दो। जयपुर में लोग कितने ईमानदार हैं देख, 4 रुपए और 90 पैसे प्रति पाव, इतने ईमानदार लोग। अभी बज रहे हैं रात के 11 और अभी रोटियां बन रही है क्योंकि बाबू जरा सा लेट सोया था और ट्रैफिक की वजह से हम लोगों को भी लगभग घर आते आते 8 बज चुके थे। फिर बाबू को खिलाया पिलाया सुलाया और इसके बाद में अभी बना रहे हैं रोटियां और मैंने बना ली है। हाँ, और रात को 1 बजे मेरी है ट्रेन मीटअप के लिए, मैं जा रहा हूँ दिल्ली। सो कल का ब्लॉग शूट करेंगे सिर्फ महारानी, देन हो सकता है कि मैं अगर दिल्ली की मीटअप का सीन कैसा रहता है अगर लोग ज्यादा आएंगे तो मैं एक ब्लॉग शूट कर लूंगा, अदरवाइज अगर 15-20 लोग आए तो फिर मैं सिर्फ उनसे मिलके आ जाऊंगा। सो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा क्योंकि दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट वो है। कुछ कहना तो कमेंट कर दीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिए रट गई ना लाइन। चलिए बाय, ध्यान रखिएगा अपना।